आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, मगर चुनाव से पहले सियासी लड़ाई अब जाति बनाम धर्म की हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन भागवत ने मुंबई में जाति को लेकर बयान दिया। कहा, जाति की व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, ब्राह्मणों ने बनाई है, जिसके बाद एसपी ने इसे रामचरितमानस से जोड़ दिया है। भागवत के बयान पर अब सियासत तेज हो चुकी है और किस तरीके से पहले ही रामचरितमानस को लेकर लगातार सियासत होती रही है, बयान सामने आते रहे, लेकिन अब जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, ये ब्राह्मणों ने बनाई है, इसको लेकर अब देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी और ज्यादा मुखर हो चुकी है। अपनी बात को एक बार फिर से वो दोहरा रही है और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार बयान सामने आए, अब इसको लेकर सियासी लड़ाई भी सामने आ रही है। ज्ञान है अपनी परंपरा के है संगत नहीं, ते है संगत नहीं है संगीत बजाए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक बयान ने देश में सियासत को फिर से गर्मा दिया है। भागवत के इस बयान को लेकर रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर अटैक किया। वहीं अखिलेश यादव भी भागवत के इस बयान पर हमलावर हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि कास्ट सिस्टम भगवान का बनाया हुआ नहीं, बल्कि पंडितों ने ऐसी कैटेगरी तैयार की है। अपने बड़ा सर्वनिशी है, कोणी ही उच्च नीच नहीं, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोग जे सांगत असतात ते खोटा आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ठ झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म। अपने भाषण के दौरान आरएसएस प्रमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काशी में मंदिर टूटने के बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी और कहा कि अगर उसके राज्य में अत्याचार नहीं रुका तो वो तलवार से इसका जवाब देंगे। हिंदू का है, मुसलमान का है, सत्य एक है, सभी परमेश्वराची लेकर आए। पाल यांच्यानंतर जवळजवळ 250-300 वर्षांनी औरंगजेबाला शिवाजी महाराजांनी पत्र लिहिलंय काशीचं मंदिर तुटल्यावर। वाक्य आहे त्यांचं की हिंदू काय मुसलमान काय ईश्वराचीच लेकरे निर्माण आहेत, पण आपल्या राज्यमध्ये तू एकावर अत्याचार करतो हे बरोबर नाही। निपक्षपातीप्रमाणे सर्व प्रजेचा सांभाळ करणं हे कर्तव्य आहे। त्यामुळे हे तू करतोयस ते चूक आहे, ते थांबव, नाही तर मला अर्धचंद्रावृती तलवार घेऊन उत्तर द्यावं लागेल। मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर बयान दिया तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आना भी लाजमी था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोहन भागवत ने धर्म के ठेकेदारों की कलाई खोल कर रख दी है। अपने ट्वीट में मौर्य ने लिखा, जाति व्यवस्था पंडितों और ब्राह्मणों ने बनाई है, ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल कर रख दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। मोहन भागवत के इस बयान के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी विधायक पल्लवी पटेल का भी बयान आया। उनका कहना है कि रामचरितमानस में जो अपमानजनक पंक्तियां लिखी गई हैं, उनको हर हाल में हटाना चाहिए। कोविड के समय पर एक पत्रकार ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन के समय क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं पंडित जसराज और तमाम जो हमारे लोग हैं उनके मैं भजन सुनता हूँ। तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं। वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, वो हटना जरूरी है। रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करते हैं? मैं विश्वास नहीं करती।
समाजवादी पार्टी की तरफ से रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर अब वीएचपी अखिलेश और उनकी पार्टी पर हमलावर है और पार्टी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। एक बयान को लेकर के स्वामी प्रसाद, जिनका नाम स्वामी है, बड़ा दुख होता है मेरे को। और बात वो हिंदू द्रोहियों की करते हैं। दूसरी बात यह कि उसका एंडोर्समेंट छुपते छुपाते आखिरकार उनके अध्यक्ष भी कर गए। हमारा कहना यह है कि ऐसी पार्टी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। चुनाव आयोग ऐसी पार्टी की मान्यता को रद्द करे और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है, हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है, अपनी गंदी जबान से कीचड़ उछाला है, ऐसे व्यक्ति की न सिर्फ चुनाव में लड़ने की पात्रता समाप्त होनी चाहिए अपितु ऐसे लोगों को हमेशा के लिए वोट देने के अधिकार को भी छीन लेना चाहिए चुनाव आयोग को। भागवत के बयान और एसपी की तरफ से आए बयानों ने रामचरितमानस विवाद को एक बार फिर से हवा दे दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में यूपी में बीजेपी बना समाजवादी न होकर धर्म बना जाति की हो गई है। अब देखना होगा कि यूपी की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में धर्म और जाति में किसे चुनती है। विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, लखनऊ। और इस वक्त की एक बड़ी खबर।